अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो वी विल टॉक अबाउट सॉल्व पेपर बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन कराची। सिंगल एंट्री का सॉल्व पेपर है ये, ईयर 2019। आप देख रहे हैं कॉमर्स लेक्चर ऑनलाइन, अकाउंटिंग फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स और द सिंगल एंट्री सिस्टम वी आर टॉकिंग अबाउट। दिस इज द क्वेश्चन। मिस्टर सलीम मेंटेन्स हिज अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ऑन सिंगल एंट्री। हिज कैपिटल बैलेंस ऑन January 1, 2018 इज ₹1,80,000। जब भी ऐसे कैपिटल बैलेंस गिवन हो जनवरी 1 का या बिगिनिंग ऑफ द ईयर का, वो है उसका कैपिटल एट स्टार्ट। फाइनेंशियल पोजीशन ऑन December 31 इज गिवन टू यू। December 31 के एसेट्स और लाइबिलिटीज की हेल्प से हम इसका कैपिटल एट एंड कैलकुलेट कर सकते हैं। डेटा फॉर एडजस्टमेंट ऑन December 31 इज ऑल्सो गिवन। मिस्टर सलीम मेड एडिशनल इन्वेस्टमेंट ₹40,000। प्रीवियस वीडियोज में, लेक्चर्स में हमने देखा एडिशनल इन्वेस्टमेंट की हमें प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हुए जरूरत पड़ती है। He had withdrawn ₹20,000 and ₹25,000 for personal and business use respectively. जो पहले वर्ड लिखा है वो पर्सनल यूज के लिए, जो बाद में अमाउंट लिखी है वो बिजनेस यूज के लिए। पर्सनल यूज वाली अमाउंट ड्रॉइंग कहलाती है और प्रॉफिट एंड लॉस में हमें इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स के टॉपिक में ड्रॉइंग को यूज करना पड़ता है। अनएडजस्टेड प्रॉफिट कैलकुलेट करने में वहाँ हम इस ड्रॉइंग की अमाउंट को यूज करेंगे। डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एंड ऑफिस इक्विपमेंट बोथ आर गिवन। ये दोनों हमारे एक्सपेंसेस हैं, इसे हम प्रॉफिट एंड लॉस में एक्सपेंसेस में शो करेंगे। आउटस्टैंडिंग सैलरीज, डैट मीन्स सैलरीज पेएबल एट द ईयर एंड इज 10,000। क्योंकि ये हमारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, ये भी एक्सपेंसेस में जाएगा। अगर बैलेंस शीट रिक्वायर्ड होती तो ये सैलरीज पेएबल के तौर पर लाइबिलिटीज में भी जाता। फिलहाल सिर्फ रिक्वायरमेंट है प्रॉफिट एंड लॉस की, ईयर एंड पे हमें बनानी है। सो लेट्स सी, कैपिटल एट एंड हमें सबसे पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा, उसके बगैर हम प्रॉफिट एंड लॉस नहीं बना सकते। कैपिटल एट एंड के लिए ईयर एंड के एसेट्स में से ईयर एंड की लाइबिलिटी को माइनस करें। ईयर एंड के एसेट्स का टोटल आ गया, लाइबिलिटी एक है उसे हमने माइनस किया, कैपिटल एट एंड हमने कैलकुलेट कर लिया। वी विल बी यूजिंग कैपिटल एट एंड फॉर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट ऑफ मिस्टर सलीम। कैपिटल एट एंड प्लस ड्रॉइंग माइनस कैपिटल एट स्टार्ट माइनस एडिशनल इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू अनएडजस्टेड प्रॉफिट और लॉस। कैपिटल एट एंड में से ड्रॉइंग को ऐड करके इन दोनों को एक साथ माइनस कर दें तो अनएडजस्टेड प्रॉफिट आ गया 20,000। फिर एक्सपेंसेस हमने देखे क्वेश्चन में, फर्नीचर इक्विपमेंट दोनों का डिप्रिसिएशन गिवन है। सैलरीज जो अनपेड हैं वो भी हमारे लिए एक्सपेंस है। कोई प्रीपेड एक्सपेंस इसमें नहीं दिया, वरना वो यहाँ हम ऐड करते अकॉर्डिंग टू स्पेसिमेन, या कोई अनअर्नड इनकम वगैरह होती तो उसको भी अकॉर्डिंग टू स्पेसिमेन डील करते। इसी क्वेश्चन है कि सिर्फ तीन एक्सपेंसेस हैं उसे हमने माइनस किया, प्रॉफिट में से एक्सपेंसेस माइनस हो गए, द नेट रिजल्ट इज द नेट प्रॉफिट दैट इज ₹1,000। सो दिस इज हाउ मिस्टर सलीम्स प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट विल बी प्रिपेयर्ड। कीप वॉचिंग कॉमर्स लेक्चर ऑनलाइन फॉर मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोज इन अपकमिंग।